What's up guys, I am AR. आज हम बात करने वाले हैं टिप्स फॉर परफ्यूम, कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में. Why you should use perfumes? You are more attractive, confident, feel fresh, boost your mental health. Doesn't matter how look good you are. आप कितने भी well dressed हो, but आप जब किसी के पास जाएंगे, किसी को हग करेंगे, किसी से हाथ मिलाएंगे, if you smell bad, oh man, I hate you, leave me alone. और फ्रेग्रेंस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लड़की को अगर आप में थोड़ा बहुत माइनर सब इंटरेस्ट है तो फ्रेग्रेंस उस इंटरेस्ट को इनहेंस कर देता है, इंक्रीज कर देता है. एंड दैट इज 101% ट्रू. हर कोई कंफर्ट रहेगा आपसे बात करने में, हर कोई फील फ्रेश करेगा आपसे बात करने में. ओके, टिप नंबर 1, राइट टाइम टू अप्लाई परफ्यूम. माई रिकमेंडेशन, जब आप शावर लेते हैं उसके बाद अपनी बॉडी पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, देन आप परफ्यूम अप्लाई करें. ये प्रोसेस आपकी फ्रेग्रेंस को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा. जब आपकी फ्रेग्रेंस ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, योर परफ्यूम परफॉर्म मोर लॉन्ग लास्टिंग. ओके, टिप नंबर 2, डोंट ओवर यूज योर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम एंड डोंट लेस यूज योर लाइट परफ्यूम. मैंने देखा बहुत सारे लोगों के जो आपका स्ट्रॉन्ग परफ्यूम होता है वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और जब भी आप कहीं पे जाते हैं लोग आपसे तंग आ जाते हैं, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही होती है. और जो आपका लाइट परफ्यूम होता है उसको इतना ज्यादा कम यूज करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस का आपको पता ही नहीं चलता. सो मेक श्योर अगर आपका परफ्यूम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप उसके 3-4 स्प्रे करें. अगर आपका परफ्यूम थोड़ा लाइट है तो आप 5-7 स्प्रे कर सकते हैं. टिप नंबर 3, डोंट रब योर परफ्यूम. लोग क्या करते हैं, अपनी रिस्क पे परफ्यूम अप्लाई किया, देन उसको रबिंग करना स्टार्ट कर दी. आपने अपने परफ्यूम को रब नहीं करना. ये प्रोसेस आपके परफ्यूम के इंग्रेडिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और आपकी सारी फ्रेग्रेंस खराब हो जाती है. आपको जस्ट इसको टैप करना है. टिप नंबर 4, डोंट यूज योर परफ्यूम इन अंडरआर्म्स. आई मीन, व्हाट आर यू डूइंग? अगर आप अपनी अंडरआर्म्स पे परफ्यूम अप्लाई करते हैं तो आपकी स्मेल और आपका परफ्यूम दोनों मिक्स हो जाएंगे और वो एक स्मेल ही बन जाएगी. That's why my recommendation, underarms में आपको परफ्यूम वाली जेल यूज करनी चाहिए या आपको डियो यूज करना चाहिए. डियोड्रेंट इज अ बेस्ट ऑप्शन, बट आपको परफ्यूम यूज नहीं करना अपनी अंडरआर्म्स में. अगर तो डियोड्रेंट या जेल आपके अंडरआर्म्स में लॉन्ग लास्टिंग स्टे नहीं करता, अब इसमें बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, तो आप परफ्यूम स्मार्ट तरीके से यूज कर सकते हैं. अंडरआर्म्स में नहीं यूज करेंगे, आप अपने शोल्डर पे यूज करेंगे. राइट देयर, 1, 2. ओके, इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी के पास जाएंगे, किसी को हग करेंगे, किसी से बात करेंगे, अपनी आर्म्स ऊपर करेंगे तो आप में से स्मेल नहीं आएगी. अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि आपको अपना परफ्यूम कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए. तो आप अपने बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने क्लोथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपने ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्म करना है तो आप अपने क्लोथ पे परफ्यूम अप्लाई करें. ओके, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, ना ही अपने क्लोथ पे परफ्यूम अप्लाई करते हैं, ना ही अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, हवा में अप्लाई कर देते हैं इस तरह. इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपको आपकी फ्रेग्रेंस फील नहीं होगी, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी, जस्ट हवा में उड़ जाएगी. और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप अपनी बॉटल को जाया कर रहे हैं, आप सारी फ्रेग्रेंस वेस्ट कर रहे हैं. अगर तो आप अपना परफ्यूम स्ट्रॉन्ग यूज कर रहे हैं तो आप इसको बिहाइंड द ईयर यूज कर सकते हैं. 1, 2, and 3, दैट्स इट. ओके, डू नॉट अप्लाई योर परफ्यूम राइट देयर. अगर आप यहाँ पे अपना परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो आपकी स्मेल सीधा नोज में जाएगी एंड यू ऑल टाइम. ओके, व्हाई बिहाइंड द ईयर? जब आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी को हग कर रहे हैं, दे स्मेल गुड. और व्हाई हेयर? बिकॉज जब आप किसी को क्रॉस कर रहे हैं, जब आप किसी के पास से गुजरेंगे, उसको भी आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी स्मेल आएगी और कहेगा यार कौन सा बंदा मेरे पास से गुजर गया. ओके, इफ यू हैव अ लाइट परफ्यूम, अगर आप अपनी बॉडी पे लाइट परफ्यूम अप्लाई कर रहे हैं, देन यू शुड अप्लाई वन टाइम हियर एंड बिहाइंड द नेक, एंड देन उसके बाद आप अपने क्लोथ पे अप्लाई करेंगे. आपने ज्यादा दूर भी नहीं लेके जाना, इसको ज्यादा पास भी नहीं लेके आना. अगर आप पास से स्प्रे करेंगे तो आपके कपड़ों पे स्पॉट्स आएंगे, वो हमें नहीं चाहिए. दैट्स व्हाई आप इसको नॉर्मल स्पेस पे रख के स्प्रे करेंगे राइट देयर. ओके, that's it. If you want to apply more sprays, then you should apply on your wrist, tap it and use your neck.
That's it. Alright guys, ये थी मेरी वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी थम्स अप जरूर दीजिएगा. अगर आपको और जानना है फिटनेस फैशन और ग्रूमिंग के बारे में और फ्रेग्रेंसेस के बारे में स्पेशली, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें. आई विश यू लुक गुड. टेक केयर.